देखिए मैं यहाँ पे सीओबी एलईडी लाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ जो 4 वोल्ट पे चलता है, लेकिन आप इस टाइप का एलईडी स्ट्रिप को भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज को ध्यान रखना 4 वोल्ट का एलईडी होना चाहिए। ऐप में एक्रिलिक को ग्लू से सेट नहीं करूंगा क्योंकि फ्यूचर में कभी एलईडी को चेंज करना चाहूंगा तो तब इसको खोलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इसको नट बोल्ट से सेट कर रहा हूं। यह घर का वायरिंग को कवर करने के लिए जो पाइप इस्तेमाल किया जाता है ये वही है। इसका मोटाई है 10 mm। ये इलेक्ट्रिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा। मैं इसको 1 मीटर 10 रुपीज में खरीदा हूँ क्योंकि ये वायरिंग का पाइप थोड़ा पतला होता है, इसलिए आसानी से पिचक सकता है। इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पे इस पाइप को व्हाइट पाइप के अंदर डालूंगा। ये वाटर लेवलिंग पाइप है जो कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल होता है, ये हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। ये मेरे को 1 मीटर पड़ा 8 रुपीज का। तो चलिए आप कनेक्शन डायग्राम को देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे इसका कनेक्शन के बारे में अलग से क्या जानना है, एक एलईडी ही तो जलाना है, लेकिन मैं एलईडी लाइट को प्रॉपर तरीके से जलाना चाहता हूँ। बस एक रजिस्टर लगा दिया, ऐसे नहीं करेंगे। ऐप में एलईडी को पावर दे रहा हूँ एक 18650 लिथियम आयन बैटरी से, लेकिन मेन प्रॉब्लम है बैटरी में जब चार्ज फुल होता है तब बैटरी का वोल्टेज होता है 4.20 वोल्ट, और जब बैटरी लो होता है तब बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट पे आ जाता है। दिक्कत यही है, वोल्टेज स्टेबल नहीं है। आपको पता होगा थोड़ा सा वोल्टेज चेंज पे एलईडी का ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है, एंड हमें एलईडी का ब्राइटनेस को भी एडजस्ट करना है। ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर से भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वही है वोल्टेज स्टेबल नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर से भी कॉन्स्टेंट ब्राइटनेस पे नहीं चलेगा। तो पहले वोल्टेज को फिक्स्ड करना होगा। स्टेबल वोल्टेज के लिए इस तरीके का बूस्ट कन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वोल्टेज बूस्ट करने के बाद एलईडी को फिक्स ब्राइटनेस पे जलाने के लिए ट्रांजिस्टर से करंट को एडजस्ट करके एलईडी का ब्राइटनेस एक लेवल पे सेट कर सकते हो। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली चेक किया, बहुत सारा पावर लॉस हो जाता है। ऐप पे एलईडी में जा रहा है कितना करंट, एंड ऐप पे पावर सप्लाई पे देख सकते हो कितना करंट ले रहा है, मतलब पावर हीट के रूप में लॉस हो रहा है क्योंकि सारा सिस्टम बैटरी से चलेगा, इसलिए फालतू में पावर लॉस करके बैटरी का चार्ज खत्म करने कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली मेरे को एक ही उपाय मिला, कॉन्स्टेंट वोल्टेज से नहीं कॉन्स्टेंट करंट से एलईडी को जलाएंगे, एंड कॉन्स्टेंट करंट को एडजस्ट करके एलईडी का ब्राइटनेस को भी एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से पूरा सिस्टम बहुत एफिशिएंट होगा एंड एक्स्ट्रा पावर लॉस नहीं होगा। ऐप LM358 ऑप एम्प एंड एक मॉस्फेट से कांस्टेंट करंट सोर्स बनाएंगे। ऑप एम्प को मिनिमम 4.50 वोल्ट सप्लाई देना होगा, नहीं तो मॉस्फेट साइज से काम नहीं करेगा, इसलिए इस तरीके का बूस्ट कन्वर्टर चाहिए ऑप एम्प को पावर देने के लिए। तो देखिए यह है फाइनल डायग्राम। ऐप इस स्पॉट से एलईडी का ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे। लिथियम आयन बैटरी बहुत ही सेंसिटिव है, बैटरी ओवर डिस्चार्ज होने से बैटरी खराब हो सकता है, इसलिए इसी ऑप एम्प से एक लो बैटरी इंडिकेटर बनाएंगे जो वोल्टेज लो होने पे एक एलईडी जले। एंड यहाँ पे है लो बैटरी इंडिकेशन सर्किट, बैटरी जब 3 वोल्ट से नीचे आएगा तब इस एलईडी से बैटरी का लो इंडिकेशन देगा। मैं यहाँ पे फिक्स रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर बनाया हूँ, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल कर सकते हो वोल्टेज डिवाइडर बनाने के लिए। देखिए मैं इसको सर्किट डायग्राम को फॉलो करके इसको बनाया है, बहुत ही छोटे साइज में बनाया है। यहाँ पे SMD MOSFET इस्तेमाल किया है जो साइज में बहुत छोटा होता है। कंप्यूटर के खराब मदरबोर्ड से इसको निकाला है, एक मदरबोर्ड पे बहुत सारा मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक एन चैनल MOSFET चाहिए। आप यहाँ पे IRF Z44 MOSFET भी इस्तेमाल कर सकते हो, सेम ही काम करेगा। एंड यहाँ पे जो करंट सेंसिंग रजिस्टर है लो वैल्यू का 0.1 ओम का, एक खराब BMS से मिला है, लेकिन अगर आपके पास 0.1 ओम का रजिस्टर नहीं है तो 1 ओम का रजिस्टर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे TTP223 टच सेंसर मॉड्यूल पे बी पॉइंट को जम्पर करना होगा, नहीं तो ऑन ऑफ काम नहीं करेगा।
तो आप देख लेते हैं ये कितना पावर ले रहा है एंड बैटरी से कितना घंटा चलेगा। देखिए एलईडी जल रहा है एंड ब्राइटनेस भी एडजस्ट हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारा ऊपर में साइड में लाइट है, इसलिए यहाँ पे इसका ब्राइटनेस कम लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह ब्राइट है। यहाँ पे फुल ब्राइटनेस पे देख सकते हो 200 मिलीएम्पियर के आसपास करंट ले रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे 2000 मिलीएम्पियर का बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो तब ये 10 घंटा चलेगा, और 2500 एमएएच का बैटरी इस्तेमाल करोगे तो 12-13 घंटा चलेगा। यहाँ पे देखिए ये कितना स्मूथली एडजस्ट हो रहा है। लो बैटरी इंडिकेटर को देखिए, जहाँ बैटरी का वोल्टेज 3 वोल्ट से नीचे आ रहा है, रेड एलईडी जल रहा है, मतलब बैटरी का वोल्टेज अब लो है, अब इसको चार्ज करना चाहिए, एंड 3 वोल्ट से ज़्यादा होते ही एलईडी ऑफ हो रहा है, मतलब लो बैटरी इंडिकेटर सर्किट परफेक्टली काम कर रहा है। ऐप पे और एक चीज़ फॉलो कीजिए, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ऐप पे 100 मिलीएम्पियर के आसपास करंट फ्लो हो रहा है। आप यहाँ पे करंट एंड एलईडी का ब्राइटनेस को ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे वोल्टेज को 3 वोल्ट से 4.20 वोल्ट तक ले जा रहा हूँ, लेकिन करंट एंड एलईडी का ब्राइटनेस सेम ही है, मतलब बैटरी फुल वोल्टेज से लो वोल्टेज तक एलईडी फिक्स्ड ब्राइटनेस पे जलेगा। तो चलिए फाइनली और एक चीज देख लेते हैं। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो कोई मैकेनिकल स्विच नहीं है ऑन ऑफ करने के लिए, टच से ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब सर्किट ऑल टाइम पूरे दिन रात रनिंग है, ऑल टाइम बैटरी से पावर लेता रहेगा, तो बैटरी तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं ऑफ कंडीशन में कितना पावर ले रहा है। अभी ये ऑन है, सर्किट से 5 मिलीएम्पियर करंट ले रहा है। अब इसको ऑफ कर रहा हूँ, देखिए ऑफ करते ही यहाँ पे करंट 0 हो गया है। तो देखिए सिर्फ 5-8 माइक्रोएम्पियर करंट ले रहा है ऑफ कंडीशन में। अगर बैटरी कैपेसिटी 2000 मिलीएम्पियर होगा तब 2000 मिलीएम्पियर का बैटरी 8 माइक्रोएम्प करंट पे जब डिस्चार्ज होगा बैटरी खत्म होने में 2.5 लाख घंटा लगेगा, जो 10,400 दिन होता है। इतना दिन तो बैटरी का भी लाइफ नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो आप कंडीशन में सर्किट कितना करंट ले रहा है। मैं यहाँ पे 2000 मिलीएम्पियर का बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा या कम कैपेसिटी का बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए टच कितना अच्छे तरीके से रिस्पांस कर रहा है, सब कुछ सही से काम कर रहा है, एंड इसका ब्राइटनेस देख सकते हो काफ़ी है। मैं इसको सर्किट बोर्ड में काम करने के लिए एंड सोल्डरिंग करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये कॉर्डलेस है इसलिए इसको कहीं पे भी ले जाकर इस्तेमाल कर पाऊँगा। यहाँ पे चार्जर को कनेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे कनेक्ट करते रेड एलईडी जल रहा है, मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी फुल होने पर ये ब्लू हो जाएगा। तो सब कुछ एकदम सही से काम कर रहा है। इसका सर्किट डायग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉलो कीजिए, आप पे मिल जाएगा। बस यही था वीडियो। प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए और एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं।